जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए पुणे ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप ये फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो तो आपको आपके मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है, यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या फिर वीडियो देखते हैं ऐसे करके चलाना है। और वेबसाइट को भी राइट साइड में तीन डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, तो फिर बेहतर तरीके से आपके सामने आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अब यहां पर यह लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि टोटल 198 पोस्ट है। फॉर्म आप इसका 16 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे एंड किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इसमें जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके परसेंटेज बेस पर ही आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, पर फिर भी आप ये फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और आपकी सिस्टमैटिक एक लिस्ट जारी की जाती है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की परसेंटेज के आधार पर। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी कंप्यूटर से बना दी है। तो अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं इस वीडियो को वॉच करके भर लीजिएगा। सिलेबस नहीं पता इसका तो सिलेबस के लिए वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहां पर जो वेबसाइट आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में आपका मिडिल नेम यानी कि मध्य नेम आपको यहां पर डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड देन गाइज यहां पर जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप यहां से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहां पर जो आपका डे है वो सिलेक्ट करना होगा। एंड देन फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहां पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपका कुछ ऐसा हो जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही नंबर का इस्तेमाल कर लेना है। सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको आपका नाम लिखना है और शुरुआत में नाम का पहला अक्षर बड़ा कर देना है, फिर एट द रेट का इस्तेमाल कर लेना है और फिर बाद में कोई डिजिट यूज कर लेना है, तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वाला बन जाएगा। फिर आप यहां पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर लॉग इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आपको यहाँ पर आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड की है, पहले आप ईमेल वाला ओटीपी डालेंगे, फिर आप नंबर वाला ओटीपी डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन वेरीफाई ओटीपी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लॉग इन के पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको एंटर लॉग इन नेम के अंदर आपकी ईमेल आईडी जो कि अभी आपने रजिस्टर की है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप डालेंगे एंड देन लॉग इन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएंगे। आपको यहाँ पर इन सभी को देखते हुए यहां पर टिक करना है आई हर्बेट डिक्लेयर डेट इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी एमटीएस की पोस्ट यहां पर आ जाएगी। फिर आपका जेंडर दिया गया है, इसके बाद में यहां पर है अप्लाइड कास्ट, तो आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी इंडिया देखने को मिलेगी। एंड जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एमटीएस की हो या फिर कोई अन्य पोस्ट है, उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको इसके पोस्ट के सामने देखने को मिलेगी। एमटीएस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी, इसलिए यहां पर 10th दिया है। फिर आता है अदर इलेक्शन का पेज। तो यहां पर गाइज अगर आप रिट्रेंच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आप इसके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो चाहते तो आप ये टिक करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और आपको जो छूट मिलती है वो चाहते तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। जो छूट मिलती है जनरल एससी एसटी और ओबीसी को वो यहां पर आपको बिना इसके सिलेक्ट किए भी दी जाएगी क्योंकि वो अलग चीज है, तो आप यहां पर नन ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद में अब आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन यहां पर जनरेट हो चुकी है। अब आपको यहां पर कुछ अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको यहां पर फिर से आपका नाम पूरा एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहां पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे, ये भी आपका
टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसके बाद में जो आपकी माताजी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर जो DOB है आपकी वो यहाँ पर दी गई है, इसके बाद में आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई फ़ोन नंबर देना चाहते हैं अतिरिक्त स्टडी वाला, या फिर कोई एक्स्ट्रा नंबर देना है आपको फ़ोन वाला भी मोबाइल वाला भी, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आता है आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है सिंगल या फिर मैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट निशान नहीं है, बर्थ मार्क नहीं है, तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर पूछे कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, हाउस नंबर है या फिर विलेज है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है, आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस और साथ ही है सेम एज कोरेस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कास्ट टाइप, तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है अनरिजर्व्ड एससी एसटी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड देखेंगे, आपने यहाँ पर एसटी सेलेक्ट किया तो एसटी आपके यहाँ पर दी गई है। अब इसमें आपकी कास्ट कौन सी है उस कास्ट का नाम आपको लिखना है, जो भी आपकी कास्ट है जैसे कि राजपूत होता है, गुज्जर होता है, जो भी होता है आपकी कास्ट जो आपको पता ही होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव करना है, और फिर आप यहाँ पर एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आता है, तो सबसे पहले टेंथ की इन्फॉर्मेशन मांगी है, टेंथ का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद है स्कूल या फिर कॉलेज नेम, तो जो भी स्कूल से आपने आपकी दसवीं की है वो आपका नाम यहाँ पर स्कूल का आपको देना होगा। ये देने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी दसवीं पास की है। फिर आते हैं बोर्ड, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिल रहा है तो फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें अदर का सेक्शन है, अदर सेलेक्ट करके अपने बोर्ड का नाम खुद से एंटर कर दीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने आपकी दसवीं पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, जो भी थे आपके, और उसके बाद आपको कितने नंबर आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में एंटर करेंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है तो आप यहाँ पर इस ग्रेड के नीचे जो यहाँ पर एक बॉक्स दिया इसके ऊपर टिक कर देंगे। एंड आपको यहाँ पर बोला है कि फोर ग्रेडिंग सिस्टम, कन्वर्ट ग्रेड इंटू परसेंटेज देन एंटर एंटर परसेंटेज इंटू एग्रीगेट, यानी कि जिनके नंबर यहाँ पर ग्रेड के अंदर उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके उनको फिल करना होगा, और जिनके CGPA के अंदर है वो भी सेम वे में भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मिस सेलेंसिस क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 12वीं भी है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 12th सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में सेम तरीके से जानकारी भरेंगे, यानी कि 12वीं का रोल नंबर, आपके कॉलेज का नाम, आपका स्टेट कहाँ से आपने 12वीं की है, आपका बोर्ड, आपका ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स और कितने नंबर आए थे वो। एंड अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जिसपे 12वीं मांगी है तो आप ये जानकारी फिर 100% भरेंगे। फिर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है 12वीं के अलावा तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आता है मिस सेलेंसिस एक्सपीरियंस, तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आप LDC की पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर टाइपिंग मांगी है, तो आप यहाँ पर टाइपिंग सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप उसकी जानकारी सेम तरीके से भरेंगे कि आपने कौन से गवर्नमेंट से की है, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट का ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, रिकॉग्नाइज बाई किसके द्वारा रिकॉग्नाइज है वो देना होगा, कितना एक्सपीरियंस है और कितने मंथ का है वो आपको देना होगा। बट अगर आप सिंपल MTS की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ये सब जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड उसके बाद में आप अदर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, अदर डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है, तो यहाँ पर है सर्टिफिकेट नेम, तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होगा, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसमें आपको यहाँ पर आना है, और जो भी आपका ईयर है पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से आपका डे। एंड देन फिर आता है अथॉरिटी नेम, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, ये सर्टिफिकेट जनरली आपका
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, CO इनके द्वारा किया जाता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर चेक करना है, उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। फिर आता है स्टेट, किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, लाइफ टाइम वैलिड, अगर आपका लाइफ टाइम वैलिड है तो आप यस करेंगे, अगर लाइफ टाइम वैलिड नहीं है तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको वैलिड अप टू, अगर आपका वैलिडिटी डेट आपके सर्टिफिकेट के ऊपर है तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जब तक वो वैलिड है, अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस करिए, और यस करने के बाद में आपको रोजगार कार्यालय के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो डालना है, किस डेट में रजिस्ट्रेशन कराया था वो देना होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेम, यानी कि रोजगार कार्यालय का नाम और रोजगार कार्यालय की स्टेट, कि कौन सी स्टेट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और फिर साथ ही उसका एड्रेस, अगर आपने नहीं कराया है तो आप नो कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जानकारी सेव होगी। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आगे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, आपको एक यहाँ पर जो मोबाइल के अंदर आपके फोटो है वो अपलोड करना होगा, और दूसरा एक कैप्चर फोटो भी करना है, यानी कि लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो पहले तो आपके मोबाइल के अंदर जो फोटो अवेलेबल है वो आप अपलोड करें, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है, आपको यहां पर इस तरह से ग्रीन देखने को मिलेगा, और फिर आप आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट का नेम है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम तरीके से आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आईडी कार्ड में आप यहां पर कौन सी आईडी अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी कर रहे हैं वही आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए, एंड देन फिर उस आईडी का नंबर क्या है वो आपको यहां पर डालना है, और उसका जो साइज है वो 50 KB से कम रहना चाहिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करना है सेम तरीके से, इसका साइज 75 KB से कम होना चाहिए, एंड जो आपका कैप्चर फोटो आपको लाइव करना होगा आप यहां पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, आपको उसके सामने आकर के कैप्चर के ऊपर क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लेना है, और आपको यहीं पर नीचे की तरफ उसका जो लाइव है वो देखने को मिलेगा भी कि हाँ सही से आप आ रहे हैं फ्रेम में या फिर नहीं आ रहे हैं। तो गाइज अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी मेरे ग्रीन हो चुके हैं, इसका मतलब है कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि सभी से आपके यहां पर ये अपलोड हो गए हैं, और यहां पर नीचे आपको आपका जो लाइव फोटो है वो देखने को मिलेगा जो कि मैंने अभी कैप्चर किया है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव करना है, ये जानकारी आपकी सेव होगी। इसके बाद में गाइज आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेंगे, आप इनके ऊपर टिक कर दीजिएगा, आपको यहां पर तीनों के ऊपर टिक करना होगा। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहां पर जो पैलेस है उसमें उस जगह का नाम लिखेंगे जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, गांव का नाम मत लिखिएगा, जो आपकी सिटी है सिटी का नाम लिखिएगा। इसके बाद में जो कैप्चर कोड आपके सामने वो कैप्चर कोड यहां पर भरिए, और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ जाएगा, आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, एक करके सभी जानकारी आपको चेक कर लेनी है, अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहां पर इसको कट करके अपना जो डिटेल है वो एडिट कर लेना है, और अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आपको यहां पर फोर ऑफिस यूज ओनली में देखने को मिलेगा, आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट 10th 12th, तो बेसिकली आपको इनमें से उसी के ऊपर टिक करना है जिसकी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है। जैसे कि मैंने आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट दिया तो मैं इसको टिक कर लेता हूं, मैंने 10th का सर्टिफिकेट दिया तो मैं इसको टिक करता हूं, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म को SC ST OBC से भरा है तो आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके ऊपर आप टिक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने एक्सपीरियंस दिया है किसी पोस्ट पर ऐसी पर अप्लाई किया जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगे तो आप इसको टिक करिएगा, अन्यथा आपको यहां पर कोई और टिक करने की आवश्यकता नहीं है, वही टिक कीजिएगा जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है, एंड देन आप जब आप इसके ऊपर टिक कर दे तो फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहां से सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, अब आप ओके कीजिए, ओके करने के बाद में यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, जो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका PDF के रूप में फाइल मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन गाइज आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा, और इस तरह से आप ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।